स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे फेशियल पैरालिसिस की मसाज के बारे में कि हमें ये मसाज सही तरीके से कैसे करनी चाहिए, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस है, जो हम सही तरीके से मसाज करने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अब होता क्या है, जनरली फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स में जो अफेक्टेड साइड है और जो नॉन अफेक्टेड साइड है, तो जो हमारा नॉन अफेक्टेड साइड है वो हमारे अफेक्टेड साइड्स की मसल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे अफेक्टेड साइड की मसल्स टफ हो जाती हैं, लटकी हुई हो जाती हैं और एक तरीके का खिंचाव महसूस करती हैं। तो अब वो खिंचाव दूर करने के लिए, वो मसल्स को वापस रीएजुकेट करने के लिए हमें सही तरीके से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपनी वीडियो के दौरान यही बताऊँगी कि हमें सही तरीके से मसाज कैसे करनी चाहिए। अब हम समझते हैं आखिर ये मसाज ज़रूरी क्यों है। तो मसाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी ब्लड सप्लाई, जो हमारी नर्व सप्लाई रुक चुकी है, उसे वापस से हमारे ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी करने के लिए हमारे चेहरे पे मसाज करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं कि मसाज करनी कैसे है और क्या क्या सही पैटर्न है जो हमें फॉलो करने हैं एक प्रॉपर मसाज के लिए। मसाज करने के लिए आपको कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी छोटा सा लोशन जैसे पॉन्ड्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हो ताकि हमारे हैंड्स में ड्राइनेस ना हो और थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग हो, जिसकी वजह से हम अपने चेहरे पर हाथ अच्छे से रब कर सकें। अब मसाज करने के लिए आपको अपने चेहरे को तीन भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ध्यान रखिएगा, मसाज हम अपने दोनों चेहरे पर करते हैं, ये नहीं कि एक साइड अफेक्टेड है तो बस हम अफेक्टेड साइड पर ही सारी मसाज करेंगे, सारा प्रेशर डालेंगे। आपको दोनों तरफ स्ट्रेच करना है, दोनों तरफ आपको मसाज करनी है हल्के हाथ से। तो शुरू करते हैं अपने माथे से। दोनों हाथ अपने माथे के बीच में लेके आएंगे और अंदर की तरफ से बाहर की तरफ रोटेट करते हुए बिल्कुल कॉर्नर तक लेके आ जाएंगे, लाइक दिस। फिर से ताकि हमारे माथे की पूरी मसल्स इन्वॉल्व हो, उसके लिए आपको पहले नीचे वाले माथे से शुरू करते हुए ऊपर वाले माथे की तरफ अपने हाथों को स्क्रॉल करते हुए लेके जाना है, लाइक दिस। और आप ये प्रक्रिया 2 मिनट तक कंटिन्यूसली करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के नीचे लेके आएंगे और सेम उसी पैटर्न में अंदर से बाहर रब करते हुए, लाइट मसाज करते हुए बाहर की तरफ लेके आएंगे, लाइक दिस। देन अगेन, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सॉफ्ट माइल्ड सा प्रेशर होना चाहिए और सारी मसल्स को कवर करते हुए ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। अब आपको अपने चीक्स को तीन हिस्से में डिवाइड करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अभी हमने इस वाले चेहरे की मसाज करी, अब हमने ये जो डिवाइडेशन किया है ये क्यों किया है, ताकि हम अपना पूरा चेहरा कवर कर सके, पूरे चेहरे की मसाज अच्छे से हो सके। तो अभी हमने माथा किया, फिर हमने अपनी अंडर आई किया, अभी हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे और दोबारा इसी पैटर्न में मसाज करना स्टार्ट करेंगे और अपने हाथों को पीछे तक खींचते हुए कानों की तरफ लेके जाएंगे, एंड दिस इज़ द एंड पॉइंट, यहाँ पे ख़त्म कर देना है लाके। फिर से शुरू करेंगे, हमेशा मसाज अंदर से बाहर की तरफ करनी है। अगर मसाज करते हुए आपको ड्राइनेस महसूस हो, फ्रिक्शन महसूस हो, रगड़ाव महसूस हो, तो आप थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे अपने हाथों पर और अच्छे से रब करके दोबारा शुरू करेंगे। अब हम अपने गालों के नीचे वाले हिस्से को करेंगे, इसी तरीके से जैसे ऊपर किया था, और करते हुए पीछे की तरफ लेके आएंगे। फिर से अब हमारा पूरा चेहरा कवर हो चुका है, हमने पूरे चेहरे पर मसाज कर लिया है। अब बात करते हैं टाइम की कि आपको कौन से पोर्शन को कितना टाइम देना है। अपने माथे को आपको हार्डली 2 मिनट्स देनी है, नीचे वाला माथा और ऊपर वाला माथा 1-1 मिनट। देन आपके चीक्स,
आपके चीक्स को आपको 3 मिनट देने हैं, क्योंकि हमने अपने चीक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो तीनों हिस्सों को 1-1 मिनट देंगे और अच्छे से मसाज करते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब बात करते हैं अपनी ठोड़ी के बारे में। दिस इज़ मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट और ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो इसमें हमें अच्छे से मसाज करनी है ताकि हमारी बाकी जितनी भी बची हुई मसल्स हैं वो सारी मैनिपुलेट हो सकें, वो सारी मोबिलाइज हो सकें। तो अभी हम नीचे वाली मसल्स को करते हैं। करते करते फिर से पीछे कान की तरफ लेके जाएंगे, लाइक दिस अगेन। इस तरीके से आप अपना पूरा फेस, पूरा चेहरा अच्छे से कवर कर सकते हैं मसाज में। अब हम बात करते हैं अपनी गर्दन के बारे में। तो गर्दन को आपको कैसे करना है, आपको ये दोनों थंब्स अपने मिड में रखने हैं, यहाँ पे दिस, और हल्का सा प्रेशर देते हुए बाहर की तरफ लेके जाएंगे अपने थंब को। फिर से थोड़ा सा लोशन लगाएंगे और दोनों अंगूठे अपने बीच में रखेंगे यहाँ पे और पीछे लेके जाएंगे स्ट्रेच करते हुए। नाउ अगेन एक बार फिर। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे आपका ये स्ट्रेच खत्म हुआ है, यहीं से आप अपनी अफेक्टेड साइड पे अपने दूसरे हाथ से नीचे को रब करेंगे ऐसे। ये आपकी अफेक्टेड साइड की मसल्स के लिए है, बहुत ही हल्का सा प्रेशर देंगे। ये आप अपनी पीछे वाली नेक मसल्स के लिए भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस। अब जब आप मसाज करते हुए नीचे आएंगे तो आपको नीचे अपनी एक बोन, एक हड्डी महसूस होगी जिसे हम कहते हैं कॉलर बोन और क्लेविकल, जस्ट नीचे एक यहाँ पे आप थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा जिसे कहते हैं गड्ढा महसूस करेंगे, और एक यहाँ पे बोन होती है, उस बोन के एंड पार्ट पे आपको हल्का सा प्रेशर देना है ऐसे। आपको शायद दिख भी रहा होगा, हल्का सा प्रेशर देंगे लाइक दिस अगेन, दैट्स इट। तो दोस्तों आपको मसाज इसी पैटर्न में करनी है जिस पैटर्न में मैंने आपको बताई है, अपने ऊपर के चेहरे से शुरू करते हुए नीचे तक आएंगे, एंड देन नेक पार्ट, एंड देन लास्ट क्लेविकल बोन जो आपकी ब्यूटी बोन भी कहलाई जाती है, यहाँ पे लाके अपने मसाज को ख़त्म कर देंगे। सही रिजल्ट्स पाने के लिए आपको मसाज सही तरीके से करना ज़रूरी है, सारे स्टेप्स रिदमेटिकली फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे जैसे मैंने बताया, प्लीज़ उसी पैटर्न में मसाज करिएगा, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी रिकवरी फास्ट होगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पूरा मसाज का प्रोटोकॉल ढंग से समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप चाहते हैं कुछ और पूछना, तो प्लीज़ डायरेक्टली यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी क्वेरी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारी समस्याओं का हल हमारे पास है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, टेक केयर।